ये अप टू 10 GB की फाइल है और मैं इसे विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करने की कोशिश करूँगा। और आप देखोगे कि कैसे मेरा VS कोड क्रैश हो जाएगा। और ये आप यहाँ मैसेज देख सकते हो कि अनेबल टू ओपन इंस्टा वेब, जो भी फाइल का नाम है। टू ओपन अ फाइल ऑफ दिस साइज यू नीड टू रिस्टार्ट ऑल कोड टू मोर मेमोरी। मैंने रिस्टार्ट किया, रिस्टार्ट करके देखा जो भी उसने। मैं एक न्यू विंडो ओपन कर लेता हूँ ताकि कोई एक्स्ट्रा टैब ना हो विजुअल स्टूडियो कोड में, और उसमें आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि अप टू 10 GB विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन होता है कि नहीं। ये भी लोड हो रहा है और ये मैं विजुअल स्टूडियो कोड में उठा के पटक दूंगा। और विजुअल स्टूडियो कोड इस फाइल को अभी ओपन करने की कोशिश कर रहा है, जो कि अप टू 10 GB फाइल है। मेरा जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो क्रैश हो जाएगा। इसका मतलब आप अगर आपको अप टू 10 GB फाइल ओपन करना है अपने कोड एडिटर में या विंडो के नोट पैड में, तो आप नहीं ओपन कर सकते हो इतनी बड़ी फाइल को। तो जैसा कि आप देख सकते हो, बस ये लोड होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, जो कि हो फिनिश नहीं होएगा, कभी ख़त्म नहीं होएगा। तो अगर आपको अब 210 GB फाइल लोड करना है तो पहले विजुअल स्टूडियो कोड को इसका प्रोसेस बंद कर दो। सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमारी फाइल अप टू 10 GB है और हमें उसे ओपन करना है विंडो के किसी कोड एडिटर में, तो हम वो कैसे करेंगे। हम विजुअल स्टूडियो कोड में उसे ओपन नहीं कर सकते, हम ना ही नोट पैड एडिटर में या कोई एडिटर में 11 GB या उससे ज़्यादा GB की फाइल ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्रैश हो जाता है या तो उसमें लिमिटेशन होता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे हम इजीली अप टू 10 GB की फाइल को कैसे उसको ओपन कर सकते हैं, उसके कंटेंट को कॉपी पेस्ट या कहीं और उसका यूज़ कर सकते हैं या उसे एडिट कर सकते हैं लाइक नॉर्मल कोड एडिटर। उसे लोड करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है ईएम एडिटर। आप गूगल पे सर्च करोगे ईएम एडिटर, आपको ये इस पेज पे आ जाओगे। मैं इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप सिंपली इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेना, और लाइक जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर नेक्स्ट नेक्स्ट एंड इंस्टॉल, तो सेम सबका प्रोसेस होता है। उसे भी आप नेक्स्ट नेक्स्ट, तो कोई परमिशन मांगेगा उसे अलाउ करना रहता है, बस आपका सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। सिस्टम मैंने इसे पहले से ही अपने सिस्टम में लोड करके रखा है, तो मुझे वो नेक्स्ट नेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं। सिंपली मैं, आप देख सकते हैं कि मैं ये विंडो बटन दबाया और यहाँ ये ईएम एडिटर फाइल, मुझे ये जो सॉफ्टवेयर है वो मुझे दिखाई दे रहा है। अभी मैं वीएस कोड में ओपन करने की कोशिश कर रहा था, उसे मैं इस ईएम एडिटर में ओपन करूँगा अभी। तो इस पे मैं राइट क्लिक करूँगा। आप नीचे देख सकते हो कि ये 11.4 GB की फाइल है। इसे मैं अभी ईएम एडिटर में ओपन करूँगा और उसमें थोड़ा एडिट करने की कोशिश करूँगा और देखूँगा कि ये क्रैश होता है कि नहीं होता है। सिंपली मैं ईएम एडिटर पे गया और आप देख सकते हो कि ये ज़रा सा भी इसने टाइम नहीं लिया, इसने ओपन कर दिया डायरेक्ट तुरंत विदाउट एनी सेकंड। बट ये कॉन्स्टेंटली एक्स्ट्रा लोड हो रहा है, जैसा कि आप नीचे देख सकते हो स्टेटस बार पे, ये 9% अभी तक का लोड हुआ। मतलब जितना ये लोड होता है तुरंत दिखा देता है और बाकी बैकग्राउंड में वो लोड करते रहता है उस एक्स्ट्रा कंटेंट को। तो इस तरह आप इसका यूज़ कर सकते हो, कितनी भी बड़ी फाइल हो इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप उस फाइल को अपने इस ईएम एडिटर में लोड करके उसे एडिट कर सकते हो, इस कंटेंट को कॉपी या कहीं और पेस्ट करके इसका यूज़ कर सकते हो बिना किसी विंडो क्रैश हुए। इस सॉफ्टवेयर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और आपको
अगर आप 11 GB या उससे और भी कितने भी बड़ी GB की फाइल हो, आप सिंपली सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप उसमें एडिट या उस फाइल का यूज़ कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।